बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का सेक्शन 2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। यहाँ अगर हम देखें कि इन तीन में से कौन सी सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल होगी, तो यहाँ लिखा है वेरिएबल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट स्क्वायर, यानी कि दूसरी वाली सब्स्टिट्यूशन जो कि है एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आप देखें वेरिएबल स्क्वायर सेपरेट नहीं है, यहाँ इसके साथ 2 मौजूद है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ 2 मौजूद है। इस 2 को हमें किसी तरह से यहाँ हटाना है ताकि वेरिएबल को हम सेपरेट कर लें, ये एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाए। तो कांस्टेंट का स्क्वायर तो हम बना सकते हैं इजीली, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में हम यही करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमने सब्स्टिट्यूट किया, जैसे मिसाल के तौर पर एक्स की जगह हमने थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तमाम सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, लेकिन वापस हमें बैक सब्स्टिट्यूशन करनी थी ताकि हमें वेरिएबल एक्स के हिसाब से आंसर मिल जाए। जो इससे पहले क्वेश्चन थे वो डेफिनेट इंटीग्रल वाले थे, उसमें हमें क्यों जरूरत नहीं पड़ी वापस बैक सब्स्टिट्यूशन की। देखें, जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, जब लिमिट आई हुई होती है, लिमिट लगी हुई होती है, तो उसमें हमें एक आंसर चाहिए होता है एरिया अंडर द कर्व। वो आंसर हम चाहें तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद थीटा में ही वो आंसर निकाल लें, क्योंकि लिमिट भी हमने थीटा के हिसाब से कन्वर्ट कर ली हुई होती है, तो वो आंसर बिल्कुल सेम आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में, या हम डायरेक्टली सॉल्व करके इसी एक्स वेरिएबल में ही सॉल्व करके मैं आंसर निकाल लूं उसी एक्स की लिमिट इस्तेमाल करते हुए, या सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूशन की लिमिट इस्तेमाल करते हुए अगर मैं आंसर निकालूं, तो वो दोनों में आंसर सेम होगा। तो इसलिए हमें वहां बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, आंसर सेम ही आना है। लेकिन चूंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन है, इनमें हम चाहते हैं कि वापस हमें जो क्वेश्चन वाला वेरिएबल था उसी में हमें आंसर मिल जाए। सब्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत पड़ती है ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए कि इस फॉर्म में अभी ये डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं हो सकता है, इंटीग्रेट नहीं हो सकता सवाल, तो इसलिए हम सब्स्टिट्यूट करके इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आते हैं, फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हम वापस अपने ओरिजिनल वेरिएबल की फॉर्म में ले आएंगे अपने आंसर को, अगर डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हम वहीं पर डायरेक्टली थीटा में ही आंसर को निकाल लेंगे लिमिट अप्लाई करके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी कि वहां हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने क्यों बैक सब्स्टिट्यूशन नहीं की, क्योंकि आंसर सेम आना था, चाहे मैं बैक सब्स्टिट्यूशन करके निकाल लेता या उसी में निकाल लेता। क्वेश्चन नंबर 12 को हम देखते हैं। यहाँ देखें, इस 2 को मुझे यहाँ से खत्म करना है, उसका क्या तरीकेकार है। सबसे पहले मैं अपना क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया है। देन अब इस स्टेप में मुझे 2 यहाँ से खत्म करना है, तो उसका क्या तरीकेकार है कि अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2। 7 के डिवाइड में 2 मौजूद नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा कॉमन लेते वक्त। अगर वापस आप 2 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेते हैं, तो ये 2x स्क्वायर बन जाएगा पहली टर्म, और जब 2 7 डिवाइडेड बाई 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ जाएगा, क्योंकि 2 वन 2 2 वन 2 कट जाएगा। तो इसलिए अगर किसी के नीचे मौजूद नहीं होता डिनोमिनेटर में, और वो चीज हमने कॉमन लेनी होती है किसी टर्म से, तो जिनके डिनोमिनेटर में नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में हम लिख देते हैं। अब इस रूट 2 को, क्योंकि ये रूट 2 कॉन्स्टेंट है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को मैं कॉन्स्टेंट पहले लिख लेते हैं, क्योंकि कॉन्स्टेंट पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होता। ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और मुझे इसका भी स्क्वायर बनाना है, तो ऑब्वियसली मुझे रूट लगाना पड़ेगा, रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। ये वापस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी सब्स्टिट्यूशन वाली फॉर्म बनानी थी, तो इधर कॉन्स्टेंट पे भी स्क्वायर मुझे दिखाना था, तो इसलिए रूट लगा के मैंने दिखाया कि ये मेरा कॉन्स्टेंट जो बनेगा रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। अब हम अपनी सब्स्टिट्यूशन को लेट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा होता है, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट है ए वो रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 है, और ये जाएगा 10 थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन 1 को, तो ये dx बराबर आ जाएगा रूट 7 डिवाइडेड बाय 2, 10 थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा होता है, और d थीटा। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए ये जो डिनोमिनेटर में पार्ट है इसको हम बना लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट तीनों सेम हैं, तीनों अलग अलग नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे अलजबरा लगाकर उसको अपनी जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी, जो डिजायर्ड फॉर्म थी, उसमें कन्वर्ट कर लिया है। तो ये मेरे लिए ईजी है बनाना एक्स इक्वेशन 1 की मदद से, तो इसको हम बना लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले तो स्क्वायर करना है मुझे, तो इक्वेशन की बोथ साइड में स्क्वायर कर दूंगा इक्वेशन 1 को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जब रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 पर स्क्वायर होगा, तो ये सीधा सीधा 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और 10 पे स्क्वायर होगा तो 10 स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साथ में 2 मल्टीप्लाई भी हो रहा है,
तो यहाँ इसी स्टेप में मैं इक्वेशन के 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वरना मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ पे ये 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2x² हो गया और ये रह गया 7 tan² थीटा। अब मुझे 7 को ऐड करना है इक्वेशन की बोथ साइड, तो 2x² लेफ्ट हैंड साइड पर भी 7 ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी 7 ऐड हो जाएगा। इसी स्टेप में मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ दोनों में से, तो ये 2x² + 7 बराबर आ जाएगा 7 tan² थीटा + 1 बराबर होता है sec² थीटा के। अब हमें रूट भी चाहिए, तो इसी स्टेप में मैं रूट भी लगा देता हूँ, तो ये जो हमारा आंसर आ जाएगा √2x² + 7 बराबर आ जाएगा √7 sec थीटा के। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम इक्वेशन 1, 2, 3 की वैल्यूज इक्वेशन नंबर ए में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो इक्वेशन ए में लेफ्ट साइड पे हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे ताकि ये पता लगे कि हमने किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। देन इंटीग्रल का निशान, अब हम सारी सब्सटीट्यूशन लिख देंगे। पहले एक्स क्यूब लिखा है तो इक्वेशन 1 का क्यूब करेंगे, क्योंकि एक्स बराबर है √7/2 tan थीटा के, तो मैं एक्स लिख दूँ या √7/2 tan थीटा लिख दूँ, दोनों चीजें बराबर हैं, तो एक्स की जगह मैं थीटा के हिसाब से लिखूंगा, तो ये वाली सब्सटीट्यूशन आ जाएगी। क्योंकि एक्स का क्यूब है तो बोथ साइड में क्यूब करके रखूंगा, तो यहाँ 7 की पावर 3/2 आ जाएगी, इसी तरह 2 की पावर 3/2 आ जाएगी और ये आ जाएगा 10³θ। देन मल्टीप्लाई dx की वैल्यू हमें इक्वेशन 2 से मिल जाएगी, जो कि है √7/2 sec² θ d θ। अब जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो इक्वेशन 3 के हिसाब से √7 sec θ के बाद, यहाँ एक sec से एक sec कट जाएगा, ऊपर 2 sec थे तो एक पावर बच जाएगी। इसी तरह से इस √7 को मैं सिर्फ √7 से काट रहा हूँ, तो √2 नीचे बाकी बच जाएगा, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी हमारे पास। इस 7 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 7√7। इसी तरह 2 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, पावर 3 है तो समझे पावर 2 से 2 कट गई है। अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं, जो पावर 3 है इसमें से 7 का स्क्वायर बना दूं, तो 2 से 2 कट जाएगा और एक रूट रह जाएगा, एक 7 रूट के अंदर रह जाएगा, इसी तरह नीचे भी रह जाएगा। अगर इसको आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 7 की पावर 3/2 है तो इसका मतलब 7 का क्यूब है। इसको मैं लिख सकता हूं 7 × 7 × 7। इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूं 7 का स्क्वायर × 7। इस पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा और एक 7 के अंदर रह जाएगा। सेम केस अप्लाई होगा 2 पे भी, जिस पे 2 की पावर 3/2 है, यहाँ 10³θ रह जाएगा। इसी तरह से नीचे √2 मौजूद है तो 1√2 इसका भी आएगा, तो यहाँ पर मैं साथ में ही इसके नीचे ही √2 अप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ थोड़ी सी हम स्पेस बना लेते हैं, तो ये जो डिवाइड का √2 बचा था इसको मैंने इसके साथ ही लिख दिया है और यहाँ पे 1 sec θ d θ। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे देखना है कि क्या मैं इसका इंटीग्रल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, 10³θ और sec θ लिखा है, तो वही सेम स्टेप हमने सोचना है कि 10 का अगर मुझे इंटीग्रेट करना था तो मुझे sec²θ चाहिए, बाहर डिफ्रेंसिएशन वो भी नहीं बन सकता। इसी तरह अगर sec के हिसाब से मैं लेता हूँ तो sec θ tan θ चाहिए, वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि 10 पे पावर 3 मौजूद है, हमें 10 पे पावर एटलीस्ट 1 चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं 10³θ को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देता हूँ। इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेते हैं 7√7, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 2 बचेगा और बाहर 2 मौजूद है तो 2 2 4 हो जाएगा ये। इसी तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ 10² θ 10θ sec θ d θ। क्यूब को मैंने 2 हिस्सों में लिख दिया है, ये वापस 2+1 पावर होगी, 10³ बन जाएगा, कांस्टेंट इसी तरह रहेगा। 10² θ को हम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है हमारे पास sec²θ - 1, ये 10θ sec θ d θ इसी तरह रहेगा। अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा sec²θ sec θ tan θ d θ। ये sec θ को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि sec θ tan θ, इस sec θ का डिफ्रेंसिएशन बाहर मौजूद है, तो हम डायरेक्टली इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ sec θ tan θ बन जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम सेम चीज सॉल्व कर चुके हैं, कांस्टेंट इसी तरह रहेगा, ये हो जाएगा sec³θ/3, क्योंकि पावर को हम एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। अगर बाहर डिफरेंशिएशन मौजूद होता है तो हम सिंपल एक पावर ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस साइन, और sec θ tan θ का जो इंटीग्रल होता है वो sec θ होता है। तो अब हमारे पास ये आंसर आ चुका है, यहाँ हमने इंटीग्रल कर दिया है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लाजमी आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल में। अब हम क्या चाहते हैं, क्योंकि देखिए ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट नहीं है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल होता तो लिमिट्स होती, लिमिट्स हम अप्लाई करते तो आंसर आ जाता हमारे पास। इसी तरह से अगर हम चाहते तो बैक सब्स्टिट्यूशन करके इस थीटा वाले फॉर्म में से हम वापस बैक सब्स्टिट्यूशन करते और एक्स निकाल लेते। अगर एक्स में कन्वर्ट करके भी मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तब भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आना डेफिनेट इंटीग्रल में। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि इस थीटा फॉर्म में ना रखें इसको, बल्कि वापस हम इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो हम वापस
वापस इसको x में सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि यहाँ sec थीटा ही मौजूद है, तो मुझे x फॉर्म चाहिए, तो मैं इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करूंगा और उसी से हम sec थीटा बनाएंगे। तो अब हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करते हुए sec थीटा की वैल्यू मालूम करते हैं। इक्वेशन 1 के हिसाब से x बराबर है √7/2 tan थीटा के। यहाँ से पहले मैं tan थीटा को सेपरेट कर लेता हूँ, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा √2/7x के। ये √2 डिवाइड हो रहा था, इक्वल के तरह के x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, √7 मल्टीप्लाई हो रहा था tan थीटा से, दूसरी साइड जाकर इक्वल के डिवाइड हो जाएगा। tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ √sec²θ-1। राइट हैंड साइड अभी इसी तरह रहेगी। अब ये sec थीटा मेरे पास आ चुका है, यहाँ से मुझे इसको सेपरेट करना है। इसमें जो भी चीजें इसके साथ मौजूद है, -1 और रूट लगा है, स्क्वायर लगा है, इन सबको मुझे खत्म करना है, sec थीटा को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले तो रूट खत्म होगा, रूट खत्म करने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वेशन की बोथ साइड। मैं स्क्वायर करूंगा इक्वेशन की बोथ साइड, ये हो जाएगा sec²θ-1। यहाँ पे 2 और 7 से रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा x², ये -1 इक्वल की दूसरी साइड जाके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sec²θ 2x²/7+1। इसी स्टेप में मैं आगे LCM भी कर लेता हूँ इसका, 2x²+7/7। अब मुझे यहाँ पे sec²θ पता लगा है, तो sec पर से स्क्वायर खत्म करना है, तो इक्वेशन की बोथ साइड मुझे रूट लेना पड़ेगा। इसी स्टेप में अगर मैं रूट ले लूँ तो ये आ जाएगा sec θ, जो बराबर आ जाएगा हमारे पास वो 2x²+7/7। ये हमारे पास sec थीटा की वैल्यू आ गई है। इस sec थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं हम यहाँ। इस sec थीटा की वैल्यू को हम इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हम अपने क्वेश्चन को ही लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे सबसे पहले कांस्टेंट आ जाएगा, इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो ये sec³θ है डिवाइडेड बाय 3, तो 1/3 पहले मैं बाहर लिख लेता हूँ। sec³θ है तो इस पार्ट का मैं क्यूब कर दूंगा, तो हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 4 को क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x²+7^3/2। इसी तरह से इस 7^3/2 आएगी, क्योंकि 1/2 तो रूट की वजह से है ही, क्यूब आ जाएगा, तो 7^3/2 आ जाएगी, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 7√7। यहाँ पे ये एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 7√7 होगा, ये भी 7√7 होगा, ये भी 7√7 होगा, तो ये भी 7√7 होगा। इसी तरह से sec थीटा की जगह भी मैं सब्स्टिट्यूशन कर देता हूँ, तो sec थीटा की जगह आ जाएगा सिंपली 2x²+7/7। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब ये 7√7/4 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर और नीचे 7√7 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे फर्स्ट टर्म में, ये रह जाएगा 1 3/4 12 2x²+7^3/2 माइनस, यहाँ इस टर्म में √7 से √7 कटेगा, तो ये आ जाएगा 7/4 2x²+7^1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसी तरह यहाँ भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। इस तरह भी हम लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन को, या अगर मैं बुक के आंसर के हिसाब से लिखना चाहता हूँ तो सिंपल मेरे पास इसी स्टेप में आंसर आ चुका है, तो ये हमारा कम्प्लीटली आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था, होप कि आपको सॉल्यूशन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।